जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्ति को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पेपर 5 की बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन 2012 में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इस वीडियो में कंप्लीट देखें, आपकी बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स में जरूर ही मैथ में मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन एफ ए क्लोज इंटरवल बी आर इज रैमन इंटरगेबल ऑन ए बी। ए फंक्शन एफ इज ए रैमन इंटरगेबल ऑन ए क्लोज इंटरवल बी इफ, ये थ्योरम प्रूव किया जाता है, ए से बी डैश, फिर ए डैश बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें एफ एक्स डी एक्स तो रहता ही है, लेकिन ए से बी डैश रहता है, इसमें ए डैश फिर बी। अगर आप इसी टाइप की यूजफुल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में आ जाएं और देख लें। अगर आप यार लाल वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन का। इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल में। सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर में क्या करें, द फूरियर कोफिशियंट ऑफ एनी इंटरगेबल फंक्शन टेंस टू जीरो ट्रू। यानी फूरियर कोफिशियंट ऑफ एनी इंटरगेबल फंक्शन टेंस टू जीरो, ये क्या है? ट्रू है। द डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशिएबल ओड फंक्शन इज इवन, यानी कोई भी डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशिएबल ओड फंक्शन इज क्या होता है? इवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, ई नंबर में क्या है, ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच पोसेस कंटिन्यूस पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ सेटिस्फाइड लैपलास इक्वेशन इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन, ये क्या होता है? ट्रू होता है। यानी हार्मोनिक जो फंक्शन है वह पार्शियली डेरिवेटिव से फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर को सेटिस्फाई करता है लैपलास इक्वेशन को, तो उसी को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, यह ट्रू है। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो If the function f equal to 1 by z is analytic at z equal to 0, ये क्या होगा? True होगा। यानी if the function f z is to be analytic at z equal to 0, if the function f z equal to 1 by z is analytic at z equal to 0, तो ये true। The Cauchy equation is always convergent sequence in a metric space is false। A subset Cauchy sequence is always convergent इन ए सिक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस इज फॉल्स, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं थ्योरम में। ए सबसेट एफ ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, ए सबसेट ऑफ एफ ए मैट्रिक स्पेस ई इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कंप्लीमेंट आर सी इज ओपन, ये क्या होगा? ट्रू होगा। ये किस में आएगा? ट्रू में, तो ये ट्रू में आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ट्रू। आप फ्रेंड्स कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन मिलता रहे और आपको डेली बाय डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता रहे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। अगर आप मैथ ऑनर्स के हैं स्टूडेंट तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।